पंचायती चोणां विचाले एक पोलिंग बूथ दे बाहर हंगामा हो गया जदों इत्थे बैलेट पेपर गलत छपे हुए नजर आए जिथे उम्मीदवार दे चोण निशान दे बैलेट पेपर ही नहीं दिखे। दरअसल रोपड़ दे पिंड खवासपुरा दे विच वोटिंग ते अजिहा असर पिया है कि वोटिंग रोक दिती गई है क्योंकि इत्थे बैलेट पेपर गलत होण दे इल्जाम लग रहे ने ते प्रशासन ते लापरवाही दे इल्जाम लगे ने। इत्थे उम्मीदवार दा कहना है कि जो चोण निशान उसनू पंचायती चोणां दे विचाले जारी होया है उस चोण निशान दे बैलेट पेपर है ही नहीं जिस करके वोटिंग रोक दिती गई है। तो जो प्रशासन के नाल गलबात करन दी कोशिश की गई राबता कायम करन दी कोशिश की गई तो उन्हां तक भी यह गल नहीं पहुंची है। सो इत्थे वोटिंग नू ही रोक दिता गया है। उन्हां दा कहना है कि जो प्रिंट इन्हां बैलेट पेपरां दे उपर छपे हुए ने वह गलत ने क्योंकि जो चोण निशान उम्मीदवार नू दिता गया है ये चोण निशान वह है ही नहीं। एक गलत बैलेट पेपर छप के इत्थे पहुंचे ने जिस करके वोटिंग नू रोक दिता गया है। इत्थे हुण उम्मीदवार नू भी डर सता रहा है कि किते प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा उसनू ना भुगतना पवे क्योंकि इत्थे सरपंची की चोण दे विच कई उम्मीदवार खड़े ने ते इस उम्मीदवार दे बैलेट पेपर मिले ही नहीं जिन्हां दे उत्ते इस उम्मीदवार नू जारी किया हुआ चोन निशान होवे अजिहे बैलेट पेपर इस पोलिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं है जिसलिए प्रशासन ते लापरवाही दे इल्जाम लगे ने ते हुण प्रशासन दे वल्लों ही इत्थे वोटिंग रोक दित्ती गई है। तो जदों सही बैलेट पेपर आउणगे तां फिर शायद वोटिंग दोबारा शुरू होएगी। सरबजीत कौर जी इस सरपंची चोन लड़ रहे पिंड खवासपुरे तों इत्थे जदों असीं सवेरे आके चैक कीता जदों वोटिंग शुरू होण लगी उस टाइम देखिया बैलेट पेपर ते जिहड़ा साडा दूजा कैंडीडेट आ उसके सामने नाम के सामने साडा चोण निशान दिता गया साढ़े तो उन्हें बदल के दिता गया। देखो कल जी वोटिंग होंगी आ कल शाम को खप पी आ जित थार ठीक है वह जिम्मेवार कौन होएगा प्रशासन होएगा कौन होएगा प्रशासन आप कायम किया कर रहे हैं जी की आश्वासन की मिले कुछ आश्वासन नहीं मिलता जब तक साहब आए हैं। पंचायती चोणां विचाले एक पोलिंग बूथ दे बाहर हंगामा हो गया जदों इत्थे बैलेट पेपर गलत छपे हुए नजर आए जिथे उम्मीदवार दे चोण निशान दे बैलेट पेपर ही नहीं दिखे। दरअसल रोपड़ दे पिंड खवासपुरा दे विच वोटिंग ते अजिहा असर पिया है कि वोटिंग रोक दिती गई है क्योंकि इत्थे बैलेट पेपर गलत होण दे इल्जाम लग रहे ने ते प्रशासन ते लापरवाही दे इल्जाम लगे ने। इत्थे उम्मीदवार दा कहना है कि जो चोण निशान उसनू पंचायती चोणां दे विचाले जारी होया है उस चोण निशान दे बैलेट पेपर है ही नहीं जिस करके वोटिंग रोक दिती गई है। तो जदों प्रशासन दे नाल गलबात करन दी कोशिश की गई राबता कायम करन दी कोशिश की गई तो उन्हां तक भी यह गल नहीं पहुंची है। सो इत्थे वोटिंग नू ही रोक दिता गया है। उन्हां दा कहना है कि जो प्रिंट इन्हां बैलेट पेपरां दे उपर छपे हुए ने वह गलत ने क्योंकि जो चोण निशान उम्मीदवार नू दिता गया है ये चोण निशान वह है ही नहीं। एक गलत बैलेट पेपर छप के इत्थे पहुंचे ने जिस करके वोटिंग नू रोक दिता गया है। इत्थे हुण उम्मीदवार नू भी डर सता रहा है कि किते प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा उसनू ना भुगतना पवे क्योंकि इत्थे सरपंची की चोण दे विच कई उम्मीदवार खड़े ने ते इस उम्मीदवार दे बैलेट पेपर मिले ही नहीं जिन्हां दे उत्ते इस उम्मीदवार नू जारी किया हुआ चोन निशान होवे अजिहे बैलेट पेपर इस पोलिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं है जिसलिए प्रशासन ते लापरवाही दे इल्जाम लगे ने ते हुण प्रशासन दे वल्लों ही इत्थे वोटिंग रोक दिती गई है। तो जदों सही बैलेट पेपर आउणगे तां फिर शायद वोटिंग दोबारा शुरू होएगी। सरबजीत कौर जी इस सरपंची चोण लड़ रहे पिंड खवासपुरे तों इत्थे जदों असीं सवेरे आके चैक कीता जदों वोटिंग शुरू होण लगी उस टाइम देखिया बैलेट पेपर ते जिहड़ा साडा दूजा कैंडीडेट आ उसके सामने नाम के सामने साडा चोण निशान दिता गया साढ़े तो उन्हें बदल के दिता गया। देखो कल जी वोटिंग होंगी आ कल शाम को खप पी आ जित थार ठीक है वह जिम्मेवार कौन होएगा प्रशासन होएगा कौन होएगा प्रशासन आप कायम किया कर रहे हैं जी की आश्वासन की मिले कुछ आश्वासन नहीं मिले जब तक साहब आए हैं।